हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी छोले। तो पंजाबी छोले, एक्चुअली छोले काफी तरह से बनते हैं, बट मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द फेमस रेसिपी इन पंजाब। तो मैं आपके साथ तीन तरह के छोले मुझे बनाने आते हैं, वो तीनों तरह के छोले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन फ्यूचर। बट राइट नाउ चलो हम बनाते हैं हमारे पंजाबी छोले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक पैन चढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम पहले डालेंगे करीबन एक बड़ा चम्मच ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच राई, साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, और अब इसमें डालेंगे हम बे लीफ, तेज पत्ता दो, एक मैंने लिए है दालचीनी स्टिक, और तीन से चार साबुत लाल मिर्च। साथ ही में इसमें थोड़ा सा हींग। मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा अनियन और एक छोटा अनियन, और उसी के साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 5 से 7 लहसुन की कलियां। तो तब तक हमारे प्याज हो रहे हैं जब तक हम हमारा ड्राई स्पाइसेस का एक मिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, साथ ही में मैं इसमें लूंगी अच्छे वाले बड़े 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच के करीबन लाल मिर्ची, साथ ही में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने बॉईल करने के टाइम पे भी डाला था, नमक और हल्दी, तो अकॉर्डिंगली मैं इसमें ऐड करूंगी। साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे अब थोड़ा सा गरम मसाला, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम छोले मसाला भी ऐड करने वाले हैं, तो उसमें भी पूरे स्पाइसेस होते हैं, तो ये अलग से हम रेडी कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिलीज मैंने बहुत बारीक नहीं की है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनको चिलीज नहीं पसंद। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन यू नो चॉप देम विद टोमेटोज और अनियन, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। मुझे चिली अलग से करना पड़ता है, कभी कभी मैं कर देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अलग से ही इसको करना पड़ता है। अब ऐड कर देंगे हम इसमें, ये मेरा टोमेटो का पल्प है, 2 बड़े मैंने टोमेटो लिए हैं, उनका पल्प मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको मुझे अच्छे से पकने देना है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, और साथ ही में इसको हम ढक देंगे और गैस थोड़ा मीडियम कर देंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला एक बड़ा बोल मॉर्निंग में अपने जो होते हैं व्हाइट छोले उनको मैंने सोक कर दिया था, उसके बाद करीबन 5 से 6 घंटा मैंने इनको सोक किया, उसके बाद मैंने इनको बॉईल किया है। और साथ ही में मैंने क्या किया था ना, इसमें मैंने साथ ही में मैंने इसमें 2 आलू भी मैं साथ ही में बॉईल कर लेती हूँ, उनको छील के अच्छे से, और उनको मैं बॉईल कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इनको मैश करेंगे छोलों को। मेरा अभी मैशर जो है टूट गया है, तो आप लोग मैशर का यूज करें, जो पाव भाजी मैशर वगैरह होता है ना वो वाला। पूरे इनको नहीं मैश करने हैं, बट थोड़े से मैश करने हैं ताकि यू नो इनका जो ग्रेवी रहेगा वो अच्छे से घुल जाएंगे, और एक अच्छे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं,
हम हमारी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। टमाटर हमें हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐड करने हैं हमारे खड़े मसाले जो मैंने हमारे ड्राई स्पाइसेस जो कि अभी आपको मैंने बताए थे। और हमारे ड्राई स्पाइसेस मिलाने के बाद हमें ग्रेवी को दोबारा से इसको कवर कर देना है और इसको अगेन 2 मिनट के लिए पकाना है। और जब तक पकाना है तब तक कि इसका जो तेल होता है ना इसके अंदर वो सब यू नो किनारे छोड़ देगा। जैसे ही हमारा इसका तेल रिलीज हो जाएगा इट मींस हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल बनके रेडी है। अभी हमें इसमें ऐड करना है एक और मसाला और वो है छोले मसाला। आप किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, एवरेस्ट का, एमडीएच का, बादशाह का, जो भी आपको कंपनी का मसाला आपको शुरू होता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा इमली का पानी। मैंने इमली का पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं लिया था, मेरा जो इमली का पल्प था दैट वॉज वॉटरी, बहुत ज्यादा इसको खट्टा नहीं करना होता है बट अच्छा लगता है इमली का इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो अगेन हम इसको ढक देंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी एड अ छोले। ग्रेवी एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से ऑयल आ गया है और मैंने इसमें करीबन 1 कप पानी मैंने ऐड किया था। ये पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको थोड़े ग्रेवी थोड़ी वाटरी चाहिए या पूरे ड्राई आपको छोले चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए मेरी ग्रेवी पूरी रेडी है, ऑयल आपको दिख रहा है चारों तरफ से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करने हैं इसमें हमारे छोले। हम ऐड कर देंगे हमारे छोले। सो देखिए कितना अच्छे तरीके से कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे हमारे छोले बने हैं। मैंने भटूरों का वीडियो भी मैंने भटूरे भी बनाए हैं बट उसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी भटूरों का भी लेकिन सेपरेटली। तो हमारे छोले बनके बिल्कुल रेडी हैं, अब इसे हम सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सो हियर आई एम रेडी विद माय छोलास। तो हमारे छोले बनके बिल्कुल रेडी हैं, मैंने इसको गार्निश किया है कोरिएंडर लीव। और अगर अमृतसर में आप छोले खाएंगे और उस पर बटर नहीं मिलेगा तो ये तो नाइंसाफी होगी, तो इसीलिए मैंने इसमें डाला है गार्निशिंग के लिए बटर एज वेल एज कोरिएंडर लीव्स। सो गाइस बस यही था मेरा आज का सिंपल सा रेसिपी, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ऑल वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं मेरा वीडियो आज का करती हूँ एंड और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।